राहुल को लेकर रोहित का बड़ा बयान। खराब फॉर्म का शिकार राहुल, टीम से बाहर करने की उठी मांग। क्या टीम से होंगे बाहर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया ने सीरीज में लगातार दूसरी शिकस्त देकर 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट झटके, लेकिन इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने मायूस किया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में बनाए गए 263 रनों के जवाब में टीम इंडिया 262 रन पर ही ढेर हो गई। दूसरी पारी में कंगारू टीम 113 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत को जीत के लिए 114 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे हासिल करने में उसके 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इन बल्लेबाजों में बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे केएल राहुल भी शामिल हैं। दिल्ली टेस्ट, पहली पारी 17 रन, दूसरी पारी 1 रन। नागपुर टेस्ट, पहली पारी 20 रन, पहली पारी में 17 और दूसरी पारी में 1 रन बनाकर चलते बने। नागपुर टेस्ट में भी राहुल सिर्फ 20 रन ही बना पाए थे। खराब प्रदर्शन के बावजूद राहुल की टीम में बने रहने पर अब कई क्रिकेटर और क्रिकेट के जानकार सवालिया निशान लगा रहे हैं। अब कप्तान रोहित शर्मा ने उपकप्तान केएल राहुल के टीम में बने रहने को लेकर जवाब दिया है। राहुल के साथ बने रहने का इशारा देते हुए रोहित शर्मा ने कहा, अगर किसी खिलाड़ी में क्षमता है तो वो टीम में लंबे समय तक खेलेंगे। राहुल की बल्लेबाजी के बारे में बहुत बात हुई है, लेकिन टीम मैनेजमेंट के रूप में हम हमेशा किसी भी शख्स की क्षमता को देखते हैं, ना कि केवल अतीत में किए गए प्रदर्शन को देखते हैं। अगर उस शख्स में क्षमता है तो उन्हें एक मौका मिलेगा। इंग्लैंड में खेलना कभी भी आसान नहीं होता और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। यहां तक कि सेंचुरियन में भी शानदार प्रदर्शन था। दोनों प्रदर्शनों के चलते भारत ने दोनों मैच जीते थे, फिर भी उनकी क्षमता के बारे में बात की गई, लेकिन हमारी तरफ से ये साफ था कि उन्हें मैदान पर अपना खेल खेलने की जरूरत है। आपको बता दें, जनवरी 2022 से राहुल ने सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है, जबकि उनका आखिरी टेस्ट शतक दिसंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आया था। शुभमन गिल के होते हुए राहुल पर अपनी जगह बनाए रखने का दबाव अब काफी बढ़ गया है। द्रविड़ भी राहुल के साथ। कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, बेशक जब आप इस तरह के पिचों पर खेल रहे हैं तो आपको रन बनाने का अपना तरीका खोजने की जरूरत है। हम ये नहीं देखते कि कोई खिलाड़ी के रूप में क्या कर रहा है। चीफ कोच राहुल द्रविड़ ने ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स से कहा कि राहुल को टीम प्रबंधन से समर्थन मिलता रहेगा। मुझे लगता है उन्हें अपनी प्रक्रियाओं पर भरोसा करने की जरूरत है। ये सिर्फ एक फेज है। वो हमारे सबसे सफल विदेशी सलामी बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में शतक बनाए हैं। हम उनका समर्थन करना जारी रखेंगे। बता दें आपको, सोशल मीडिया पर केएल राहुल को लेकर लगातार लोग उन्हें टीम में शामिल करने को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। राहुल के खराब फॉर्म पर लगातार सवाल उठाने वाले भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भी ट्वीट किया कि राहुल को इंग्लैंड में अब काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए, उन्हें इसके लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन उन्होंने आईपीएल 2023 को छोड़ने पर संदेह जताया, जहां वो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं।